Ladies and gentlemen, and I think to myself, what a wonderful So if you're new to this channel, hi, my name is Trishla and welcome back to my YouTube channel. Please take a moment and subscribe to my channel below. So guys, जैसा कि आपने देखा था मेरी लास्ट वीडियो में, मैंने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर वीडियो बताया था आपको कि आप उस पर कैसे वीडियोस बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. सो ये वीडियो थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है. इस बार आपको इंस्टाग्राम नहीं, दूसरी ऐप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपना वीडियोस एडिट कर सकते हैं और अपना ट्रांजेक्शन वीडियोस बना सकते हो और यूट्यूब वीडियोस भी आप उससे एडिट कर सकते हो. सो Without further ado, let's get started the video. Okay guys, तो जिस ऐप की बात मैं कर रही हूँ उस ऐप का नाम है वीटा ऐप. सो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा वीडियो. और इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप अपना वीडियोज़ एडिट कर सकते हो. सो मैं आपको इस बार फोटोज़ का वीडियो बना के बताऊँगी. सो टैप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये ऐसा कुछ आइकन है इसका, ये ऐप ओपन हो जाएगा. उसके बाद में आपको यहाँ पर ऊपर अलग अलग ट्यूटोरियल, न्यू, पॉपुलर, ऐसे ऐसे करके सारे फीचर्स आते हैं यहाँ पे. और अलग अलग मतलब ट्रांजेक्शन वीडियोस या फिर इफ़ेक्ट्स वगैरह भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो. सो गाइज, इसमें एक और ऑप्शन होता है, होम पे क्लिक करके आप अपना वीडियो बना सकते हैं इजीली. बट जो राइट हैंड साइड में टेम्पलेट्स लिखा हुआ होता है वहाँ पर भी स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, इफेक्ट वाले वीडियोस या फिर ग्राफिक्स वाले वीडियो, या इसमें डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस होते हैं गाइस, मैं ऐसे बोल सकती हूँ. बाकी सारे ऑप्शंस बताने बैठूंगी तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप वीडियो किस किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, आइडियाज़ भी मिल जाएगा आपको. सो पहले आप होम पे क्लिक करेंगे, जो बॉटम लेफ्ट में जो होम बटन है उस पर क्लिक करेंगे. देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, आपको कोई वीडियो में स्टाइल देना है या फिर कोई मतलब वीडियो एडिट करना है, बना हुआ वीडियो उसको एडिट करना है तो आपको स्टाइल पे क्लिक करना है. अगर आप तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा. देन आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपने जो वीडियो बनाए हैं या फिर आपके पास जो भी वीडियोस, पिक्चर्स जो भी है वो आप इसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. तो फोटोज सेलेक्ट कर लूँगी और उसके ऊपर वीडियोज़ बना के बताऊँगी. तो मैं आपको जैसे आपको जितने फ़ोटोज़ सेलेक्ट करने हैं आपको यहाँ पर उसको सिर्फ टैप करना है तो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कितने फ़ोटोज़ अभी तक सिलेक्ट किए हैं. तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद मैं जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिए, ये सारे फ़ोटोज़ ले के मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया. देन उसके बाद मैं नीचे जो बॉटम राइट में जो एरो का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़ोटोज़ आपके सिलेक्ट हो चुके हैं. आप एक बार प्ले करके भी बता देती हूँ. तो ये सारे फ़ोटोज़ स्लाइड में मतलब स्लाइड शो की तरह आपको चलते हुए दिख जाएंगे. ये मेरी सिस्टर का फ़ोन है. और फिर उसके बाद में आपको अगर उस पर कोई स्टाइल देना है, जैसे कि किसी पे मतलब किसी वेडिंग फंक्शन की वीडियो बनानी है या बर्थडे पार्टी की वीडियो बनानी है, तो उन जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग का कोई टॉपिक लिखना है. जैसे आप ब्यूटी क्रिएटर हो तो आपको स्किन केयर रूटीन बताना है अपना, तो अपन स्किन केयर रूटीन, डेली स्किन केयर रूटीन करके एक टाइटल लिख देंगे और वो वीडियो के पहले शो होगा. जैसे कि इसमें शो हो रहा है ये स्टाइल और ऐसे ऐसे करके, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट भी देता रहेगा. और या मुझे अभी इसमें कुछ स्टाइल चाहिए नहीं इतना, मैं बस आपको बताने के लिए बता रही हूँ. देन उसके बाद में आएगा एडिट का ऑप्शन. बॉटम में सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे जिसमें आपको फ़ोटो एडिट कर सकते हो कि आपको फ़ोटो कितना जूम आउट करना है, कितना जूम इन करना है या फिर आपको रोटेट करना है, तो वो सब शो हो जाएगा यहाँ पे. तो बॉटम लेफ्ट में एक एरो बना हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप जो अपना फर्स्ट प्रोसेस है ना वहाँ पर आ जाओगे. देन उसके बाद में रेशियो का ऑप्शन होता है जिसमें आप फोटोज़ को वर्टिकल फ़ोटोज़ चाहिए या फिर आपने हाँ साइज़ या लेंथ दोनों चेंज कर सकते हो आप उसमें अकॉर्डिंग. जैसे आप वीडियो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हो. देन उसके बाद में ऑप्शन होता है इफ़ेक्ट का. इफ़ेक्ट इसमें बहुत अच्छे हैं गाइस, मतलब आपको कोई भी इफ़ेक्ट चाहिए जैसे जूम इन, जूम आउट, ब्लर इफ़ेक्ट और जैसे ज़िगज़ैग वाला इफ़ेक्ट होता है, बाउंसिंग इफ़ेक्ट होता है वो, या फिर स्लोमो इफ़ेक्ट देना है तो वो सारे इफ़ेक्ट आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे मैं इसमें सेलेक्ट कर लेती हूँ स्लोमो वाला इफ़ेक्ट, ये मैंने इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट कर लिया. देन उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में चेक मार्क का आइकन दिख जाएगा तो वो आप उसमें वहाँ सेलेक्ट कर लेना. उसके बाद में
जैसे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो इफेक्ट आपके यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्पल होने लग जाएगा आपको फोटो के नीचे। कोई कोई वीडियोस में एनिमेशन करते हैं या फिर अपनी वीडियोस में एनिमेशन इफेक्ट डालना हो तो उसके लिए भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, ये बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद में आपको वापस से सेलेक्ट होने के बाद में अगर आपको ये चाहिए कि अप्लाई ऑल पे करना है, मतलब आप चाहते हो कि ये इफेक्ट सब में चलता रहे, देन आपको वापस से उसको सेलेक्ट करना है। या फिर आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हो सर ड्रैग करके, कि आपको इसमें मतलब पूरी वीडियो में आपको ये स्लो मोशन इफेक्ट चाहिए या फिर, तो एक बार अपन देख लेते हैं कि स्लो मोशन इफेक्ट कैसा लगेगा। यू कैन सी ये ऐसे इफेक्ट दे रहा है, अभी मेरे फ़ोटोज़ बिल्कुल लाइन में नहीं है तो वो कट रहा है बिल्कुल। सो मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ ऐसे। देन राइट हैंड साइड में दो एरोज दे रखे होते हैं, तो उससे आप क्लिक कर सकते हैं कि आपने जो फीचर पहले अप्लाई किया था, अंडू और रीडू वाला ऑप्शन है ये। देन उसके बाद में ऑप्शन आता है म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक के लिए आप अपनी गैलरी में से भी यूज़ कर सकते हो, और इनके पास भी अलग ऑप्शंस होते हैं जिससे आप अपने वीडियो में सॉन्ग लगा सकते हो। तो मैं तो मोस्टली अपने वीडियोस के लिए जो सॉन्ग्स होते हैं वो डाउनलोड करती हूँ, उसके बाद में इसमें अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा होगा, आप स्लाइड करके इस साइड आएंगे, देन उसके बाद में आपको क्लिक करना है म्यूज़िक पे। तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि म्यूज़िक आपको इस डिवाइस में से, मतलब इस ऐप में से चाहिए को, या फिर डिवाइस में से कोई सॉन्ग चाहिए। जैसे मैंने डिवाइस में से कौन सा सॉन्ग लगाऊँ, तो मैंने जैसे ही सॉन्ग के ऊपर क्लिक किया तो सॉन्ग प्ले होने लग जाता है। तो उसके बाद में आपको उसकी जो ऑडियो लेवल है, फेड अप करना है या फेड इन करना है, फेड आउट करना है, वो सब हो जाएगा। वॉल्यूम आपको बढ़ाना है तो वो हो जाएगा। यहाँ पर 200% तक आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। सो मैं यहाँ पर नीचे यूज़ बटन पर क्लिक करूँगी, ये सॉन्ग इधर अप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट आपको यूज़ करने हैं या फिर क्या कैप्शन आपको लगाना है, मतलब कैप्शन लगाने के लिए कोई भी डिज़ाइन, जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया। ये जो एरो वाला साइन दिख रहा है उससे आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसका मतलब रोटेशन होगा और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देन आप इसके ऊपर होल्ड करके देन इसको मूव आउट करेंगे तो ये अपनी जगह भी चेंज कर सकता है। तो आपको अगर राइट कॉर्नर में चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, मिडल में चाहिए, जैसे भी आपको सूटेबल हो अपनी वीडियोस के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो। हैप्पी फादर्स डे ऐसे ऐसे आप क्लिक कर सकते हो किसी पे भी। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस, ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी इसमें मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी चीज़ बाय नहीं करनी है। तो ये अप्लाई हो जाएगा ऑल ओवर, वीडियो एंड तक ड्रैग कर दोगे ताकि वो पूरी वीडियोस में आपको हैप्पी फादर्स डे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। देन अब फाइनल मेरा वीडियो एडिट हो चुका है, तो मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगी आपको। सारे वीडियोस लाइन से आ रहे हैं, कॉपीराइट इशू गाइस। सो आप गाना तो समझ ही गए होंगे कि मैंने इसमें लगाया है। अभी सारे वीडियोस भी लाइन से चल रहा है, फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, सॉन्ग भी टाइम पे चल रहा है, और जो मैंने फादर्स डे का टाइटल लगाया था वो भी सही एकदम लाइन से चल रहा है। ऐसे ही आप इसमें कोई मैसेज रिकॉर्ड करके भी मतलब लगा सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद में फाइनल वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको करना है टॉप राइट में लिखा हुआ होता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, देन आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो सेव हो जाएगा। ये वीडियो सेव हो चुका है तो ये आपको बताएगा कि आपका वीडियो सेव हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे तो मैं गैलरी में जाके अब वीडियोज़ पे क्लिक करूँगी और वो मैंने जो अभी वीडियो बनाया वो देखूँगी। सो यू कैन सी द फाइनल वीडियो, ये कुछ ऐसा बना है मैंने। अभी इसको बिल्कुल परफेक्ट अरेंज नहीं किया था फोटोज़ को, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे बनाया। सो दैट्स माय फाइनल वीडियो। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू फील दिस वीडियो रियली हेल्पफुल। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ गॉड्स ऑन गर्ल। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव, बाय।